नमस्कार ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के राजिम निवासी हरीश गुप्ता का तो होश ही उड़ गया जब उसे एक सरकारी चेक बाउंस मिला। यह खुलासा हैरान कर देने वाला है, आप भी देखें। हरीश गुप्ता बेहद परेशान है, डरा हुआ है और हैरान भी है ये देखकर कि कैसे के सरकारी चेक बाउंस हो सकता है, और सोच में डूबा हुआ है कि क्या सरकार के खाते में पैसा नहीं है। सरकारी अस्पताल से प्राप्त चेक जब बाउंस हुआ तो एक गरीब आदमी का तो होश ही उड़ गया, और गरीब ही क्या, हम भी हैरान हो गए कि कैसे एक सरकारी चेक बाउंस हो सकता है। जी हाँ, ताज़ा मामला उजागर हुआ है जिला गरियाबंद के नगर पंचायत राजिम से, जहाँ के निवासी हरीश गुप्ता जब अपने परिवार की जनसंख्या की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा संचालित योजना के अनुरूप नसबंदी करवाने जिला गरियाबंद से महासमुंद जिला सरकारी अस्पताल गया। क्यों, हरीश गुप्ता ने बताया कि राजिम स्वास्थ्य विभाग में नसबंदी का सुविधा उपलब्ध नहीं है, यही वजह है कि हरीश महासमुंद गया और नसबंदी करवाया। तो सरकारी अस्पताल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक का महज 600 रुपए का एक चेक हरीश गुप्ता को दिया गया, जिसे एक तरह का आप प्रोत्साहन राशि भी कह सकते हैं। जब हरीश गुप्ता ने चेक को क्लियर कराने इंडियन ओवरसीज बैंक गया तो चेक बाउंस हो गया, यानी महासमुंद जिला अस्पताल द्वारा दिए गए चेक के खाते में महज 600 रुपए राशि तक नहीं है। हरीश गुप्ता कुछ समझ पाता उससे पहले चेक बाउंस तो हुआ, और जो भी बचा खुचा अमानत राशि हरीश गुप्ता के जमा खाते में थी वह भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। मजबूर हरीश गुप्ता क्या करता, वह बैंक से वापस आ गया और पूरी आपबीती मीडिया को बताया कि किस तरह एक आम आदमी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे दो बच्चे हैं, मैं अपने मिसेस का नसबंदी कराने के लिए जिला महासमुंद में लेके गया था, यहाँ सुविधा नहीं था, तो वहाँ से मेरे को प्रोत्साहन राशि के रूप में जो चेक दिया गया, उस चेक को जब मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा किया तो वो जो है बाउंस हो गया, और ऊपर से उस चेक में पेनाल्टी ले लिया गया, मेरे खाते से पेनाल्टी ले लिया गया, 118 रुपये का पेनाल्टी ऊपर से काट लिया गया। चेक मेरा 600 रुपये का था। मैं चाहता हूं कि ये शासन से जो भी गड़बड़ी होती है, शासन तो जमा करती है लेकिन हमको यहाँ तक हमको पैसा नहीं मिल पाता, और ऊपर से पेनाल्टी भी काट लिया जाता है। ऐसे गरीबों के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, गरीबों का नहीं, किसी से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए शासन को। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे भी लोग हैं जो सरकार के योजनाओं से सीधे वंचित हो रहे हैं। एक अजीब सा मामला तब सामने आया हरीश गुप्ता ने नसबंदी कराने वो हॉस्पिटल गए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए सरकार ने यह योजना निकाली है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा राशि दिया जाता है। तो बिल्कुल हरीश कुमार ने ऐसा ही करवाया, और मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, ये चेक है 600 रुपये का, जिसे महासमुंद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा ये इनको प्रदान किया गया है, इनको दिया गया है। जब मेरे सामने आप देख सकते हैं हरीश गुप्ता यहाँ पे मौजूद है, हम उनके घर में देखने आए, बेहद ही गरीब परिवार से हैं ये, और ये राशि इनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चाहे ये कम राशि के क्यों ना हो, लेकिन बेहद ही शर्म की बात है कि सरकार के खाते में महज 600 रुपया नहीं है, और चूंकि जब इस चेक को हरीश गुप्ता ने लगाया ये सोच कर कि इससे जो राशि आएगा थोड़ी बहुत इनकी मदद हो सकती है, तो इन्होंने जब चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। ये सरकारी चेक है जो बाउंस हो गया, अगर यही चेक किसी निजी व्यक्ति द्वारा दिया जाता तो उसके ऊपर FIR होती, उसे जेल भी हो सकता था, क्योंकि ये कानून में है। और ये देख सकते हैं जैसे ही इन्होंने चेक लगाया तो यहाँ पे 118 रुपया ये चार्ज कटा हुआ है, इस चेक का चार्ज कटा है बाउंस जब होता है, और वो दस्तावेज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं जिस बैंक से ये इन्होंने निकाला, तो ये जो चेक है बाउंस हो गया। हरीश गुप्ता डर रहा है, चाहता तो वो धोखाधड़ी के मामले बनाकर थाने में FIR दर्ज करवा सकता था, पर हरीश गुप्ता को डर है कि कहीं उल्टा उसके ऊपर कोई गाज ना गिर जाए। बड़ी हिम्मत के साथ हरीश गुप्ता ने खोखली सरकारी व्यवस्था का पोल खोलने सामने आया है। राजिम के वरिष्ठ नागरिक ने तो ये कहा कि अगर सरकारी चेक बाउंस हो रहा है तो आप जनता की विश्वास सरकार से उठ जाएगा। सरकार का जो चेक बाउंस हो गया, उसके लिए जब किसी व्यक्तिगत का केस बाउंस होता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है, और शायद हम अपने आदमी को कहें, साथी को, कि ये FIR दर्ज करें, और शासन मैं नुकसानी सहित वो चेक की रकम हरीश कुमार को उपलब्ध कराए। अगर नहीं कराएगा तो आगे जनता का विश्वास सरकार से उड़ जाएगा। महासमुंद जिला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश परदल
से फोन पर हमारे संवाददाता शेख इमरान ने इस मामले पर बात की तो गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए डॉक्टर परदल फोन ही काट दिए। सुनिए क्या कहा है जिम्मेदार अधिकारी ने। हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर परदल जी से बात हो रहा है? कौन बोल रहे हैं? मैं शेख इमरान बोल रहा हूँ ग्लिप्स न्यूज चैनल से। हाँ जी, एक आपके जिला हॉस्पिटल से एक मामला आया हुआ है, उसी की जानकारी के आपसे बात कर रहा हूँ। काय के लिए? जी गुप्ता नाम की है, राजिम निवासी। हाँ, जिन्होंने आपके यहाँ ये नसबंदी करवाई थी। हाँ, और इनको शायद प्रोत्साहन राशि आपके स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाती है 600 रुपए का। हाँ हाँ, ये उन्होंने बैंक में लगाया तो ये चेक बाउंस हो चुका है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तो उनको बुलाया था हमने बुलाया था कि आप दूसरा चेक ले जाओ जी, लेकिन एक आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिला हुआ चेक बाउंस हो जाना, क्या ये बड़ी नहीं है डॉक्टर साहब? वो एकदम से पता थोड़ी चलता है कि भैया कि एकदम से खत्म हुआ है जी, हमारे पास कोई अलर्ट थोड़ी आता है जी, है ना। तो उनको वो जिला अस्पताल में सैकड़ों लोग आते होंगे जो इस तरह के नसबंदी या प्रोत्साहन को दिया जाता होगा। नहीं तो आते, हाँ आते हैं तो फिर उनका दूसरा चेक तुरंत दिया जाता है, या फिर वो चेक उसी चेक को फिर से जमा कर देते तो मिल जाता। तो बाउंस हो चुकी है, उसका जो चार्ज होता है वो बैंक द्वारा भी कट चुका है। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल में चल रहा है, और पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा फिर। अरे कितनों के साथ नहीं हुआ भैया, ये पहला मामला है और उनको हमने बता भी दिया था। पहला रहे या दूसरा रहे, वो तो बड़ी लापरवाही है ना, आप मानते हैं ना इसको? गरीब आदमी कहाँ कहाँ भटकेगा बताइए। ठीक, वो हमारे पास क्यों नहीं आया भैया, हमने तो उसको तुरंत बात हुई थी कि हमारे पास आने के लिए बोला गया था। कितने बार दौड़ेगा आप बताइए ना, 600 रुपए को उसको प्रोत्साहन राशि मिला है, वो कितने बार दौड़ेगा? अरे कितने बार क्या दौड़ना, उसको भी यहाँ आना था ना, तुरंत बोला था हमने कि 15 मिनट में हमारे पास पहुँचो, हमारे बगल वाले कार्यालय में बैठा था वो, वहाँ से क्यों यहाँ पे? तो वो तो बैंक गया ना चेक बाउंस, उनको बाद में पता चला। मतलब आपको ये जानकारी नहीं रहता कि जिस खाते से आप उनको चेक दे रहे हैं? तो डॉक्टर परदल है ये, वहाँ जिला स्वास्थ्य विभाग में ये अधिकारी हैं, जिन्होंने हम उनसे बात किए तो फोन ही काट दिया। देख सकते हैं गैर जिम्मेदाराना जवाब उन्होंने दिया किस तरह से, और ये बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर परदल को ये मालूम नहीं है कि जिस खाते से वो चेक दे रहे हैं उस खाते में तो पैसा ही नहीं है। ना जाने ऐसे कितने लोगों को इन्होंने इस तरह का चेक थमाया है, और ये डॉक्टर साहब है जो कहते हैं कि उनको 15 मिनट में दोबारा बुलाया गया था चेक को लेकर, ताकि वो दूसरा चेक दे सके। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। आखिर जवाबदार कौन है और जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे ही गरीब जनता के साथ खिलवाड़ होते रहेगा? सबसे बड़ा सवाल है। इस मामले पर हमने प्रदेश के विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला से बात की तो उन्होंने कहा कि जंगल राज चल रहा है, लापरवाह अधिकारियों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिम्मेदार खुद भाजपा सरकार है। ये एक उदाहरण है जो आपने दिया छोटा सा, ये जो आपने बताया चेक बाउंस का, चेक बाउंस जो हो रहा है ये पता चलता है कि शासन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कोई है ही नहीं, प्रशासन ही नहीं है, पूरा शासन है ही नहीं कहना चाहिए, जंगल राज चल रहा है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो चल रही चीजें, पूरी तरह लाल फीता सही का नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर तक जा रहा है, इसलिए जो है वो चिंता नहीं कर रहे हैं। लाल फीता सही की कोई गलती, लाल फीता सही नहीं, पूरे जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुने हुए ऊपर तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए ये हालत हुई। कोई अधिकारी को दोष देना नहीं है भाई, आप क्या कर रहे हो, आपको तो जनता ने आपको चुना है, आप उसका जवाब आपको देना चाहिए, आपको कार्रवाई करना चाहिए, आपको डर और खौफ पैदा करना चाहिए अधिकारियों में ईमानदारी से रहकर, कि जिससे कि वो सही काम करे, वो चीज नहीं। बड़ी हैरानी है कि प्रदेश सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास और योजना पहुंचाने की बात करती है, पर हरीश गुप्ता एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो ये साबित कर रहा है कि एक आम आदमी के साथ योजना के नाम पर किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में एक ही सवाल उठता है, जब सरकार के पास योजनाओं से जनता को लाभान्वित करना चाहती है तो सरकारी खाते से राशि कहाँ गायब हो जाता है, और क्यों चेक बाउंस होने की स्थिति निर्मित हो जाती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की हर योजना पहुंच रही है, तो फिर मेरे जो हाथ में है ये क्या है? क्या सरकार के खाते पर पैसा नहीं है? जहां एक तरफ नीरव मोदी जैसे लोग जो है सरकारी धन को, आम जनता की खजाने को लेकर
चले जाते हैं सरकार के नाक के नीचे, वहीं जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो रोज रोजी मजदूरी कर अपने पेट भरते हैं, उन गरीब जनताओं के साथ इस तरह छलावा हो रहा है। आखिर इनके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, या फिर अधिकारी हैं? एक बड़ा सवाल है। आखिरकार ये हरीश गुप्ते यहाँ पे जो पहुँचे हैं, इन्होंने सरकारी लाभ इन्होंने लेना चाहा तो इन्हें नहीं मिला, और ये बेचारा डर रहे हैं FIR करने के लिए क्योंकि ये सरकारी खाता है, शासन प्रशासन के इनको डर है। सही कहा ना मैं? नहीं, बिल्कुल सही है। ये डर रहे हैं और इनका डर इतना है कि अगर इसमें FIR कराते तो कहीं इनके ऊपर कोई गाज ना गिर जाए। ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि इस खबर को देखकर हमारे जिले में बैठे अधिकारी और महासमुंद में बैठे जिले के अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, या फिर चुप्पे साधे बैठकर सिर्फ हरीश गुप्ता जैसे एक मजबूर इंसान का तमाशा देखते रहेगी। लगातार इस मामले पर हम पैनी नज़र बनाकर रखेंगे और जब तक हरीश गुप्ता को कोई इस चेक से जब तक राहत नहीं मिल जाती तब तक हम खबर प्रसारण करेंगे और लगातार इन पर हम नज़र बनाए रखेंगे। Glimpse.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान, गरियाबंद। Glimpse.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Hi, my name is Subhendu Singh and you are watching me on Glimpse.in. Hi, namaste. This is Neha Vagga and you are watching Glimpse News. Yeah, hi, मैं हूं मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं Glimpse चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूं अंशु नरोला और आप देख रहे हैं Glimpse News.